डिस्क्लेमर, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, अगर मेरा हिंदी सुनकर कोई बीमार हो गया तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी 9 बज चुका है। सो गुड मॉर्निंग। सो 2 दिन पहले विकी का वैक्सीनेशन हुआ था, और विकी वैक्सीनेशन के बाद बहुत एक्टिव हो चुका है। मैं सोच रहा था वैक्सीनेशन फर्स्ट वाला मतलब वीडियो ले लूं, पर मन नहीं कर रहा था। तो अभी 2 दिन हो गया है वैक्सीनेशन लेके, तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने भी बोला था कि सब ठीक है, पर डॉक्टर ने ये बोला था कि फूड चेंज कर लूँ उसका। तो डॉक्टर ने पहले मैं उसको दूध पिलाता था, तो अभी उन्होंने बोला था कि ये रॉयल कैनिन का स्टार्टर जो है वो दे दो, और सेरेलैक भी उन्होंने दिया था। ये सेरेलैक है, सेरेलैक भी उन्होंने दिया था, और बोला अल्टरनेटली देना है। और मतलब पहले रॉयल कैनिन दे देंगे, फिर उसके बाद 4 घंटे के बाद सेरेलैक दे देंगे, तो ऐसे अल्टरनेटली भी हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो ये सही से खा रहा था, दोनों रॉयल कैनिन और सेरेलैक सब अच्छे से खा रहा था। फिर थोड़े टाइम के बाद रॉयल कैनिन तो उसको अच्छा ही लग रहा है, पर सेरेलैक नहीं खा रहा है। मतलब एक बार सूंघता है, फिर उसके बाद सेरेलैक को 2 सिप लेके छोड़ देता है। तो कल रात से ये हो रहा है, कल रात को भी ये करा, फिर आज सुबह भी ये करा था। तो डॉक्टर को आज मैंने कॉल करा, प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो रॉयल कैनिन खा रहा है तो रॉयल कैनिन में 2 चम्मच दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं ऐसे कर रहे हैं अभी के लिए। और गाइस, मैंने विकी के लिए एक और भी मतलब एक और ट्रीट्स भी मैंने परचेस करा था। ये है, ये वाला ट्रीट्स है, पता नहीं कौन सा ब्रांड का है, पर ये लोग बोल रहे थे कि 2 मंथ्स के अंडर अगर मतलब ट्रेनिंग कराना है तो ये अच्छा रहेगा। और ये 1 kg का था, उन्होंने बोला ये सही है, और ये मतलब पीस छोटा भी था तो ये आसानी से खा लेगा, तो ये भी मैंने लिया है। और गाइस, आज विकी का मतलब डिवॉर्मिंग भी होना है, तो डॉक्टर ने ये भी दिया है डिवॉर्मिंग का, वो टॉनिक शायद, हाँ टॉनिक, ये भी दिया है। आज रात को इसको देंगे। ये वैक्सीन का ये तो सबको मिलता है, जब वैक्सीन डालते हैं तो ये स्लिप मिलता है मतलब बुक। ये डिवॉर्मिंग का है, ये डिवॉर्मिंग का है, और वैक्सीनेशन का भी करा है। देखिए, ये स्लिप वैक्सीनेशन का भी लिखा है, मतलब वैक्सीनेशन में जो लेबल आता है उसको चिपका दिया। और नेक्स्ट वैक्सीनेशन है 24th को, सेकेंड वैक्सीनेशन। सो 24th को फिर चलेंगे इसी महीने में। तो गाइस, जब भी आप मतलब कोई सा पेट लेते हैं ना, तो ऐसा एक डायरी बनाया करिए, मतलब एक डायरी या नोटबुक में उसका पूरा डिटेल्स लिखिए, मतलब पूरा डिटेल्स, उसका ब्रीड, डेट ऑफ बर्थ, कलर, और किस डेट में ये घर आया था, किस एज में वो घर आया था, और मतलब कौन लेके आया ऐसा मतलब, और पेट सेलर का नंबर सब मैंने देखे ऐसे डायरी कराई। या उल्टा दिख रहा है यार, क्या उल्टा दिख रहा है, ऐसे दिखाऊं क्या? ये भी उल्टा ही हो रहा है, नहीं मैंने बता ही दे रहा हूँ। सो गाइस, सब उल्टा ही दिख रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप ऐसा करिए ठीक है। और वैक्सीनेशन का डेट भी लिखिए, और डिवॉर्मिंग कब हुआ था, नेक्स्ट वैक्सीनेशन, नेक्स्ट डिवॉर्मिंग सब इसका लिखिए, और मतलब कौन सा ब्रांड का खाना देते हैं, और चेंज कैसे करना, सब मतलब जो भी डिटेल्स है उसका, पर्सनल डायरी जैसे सब लिखिएगा, तो अच्छा हैबिट है ये। विकी यहाँ पे सो रहा है, और टेडी बेयर का आप देखिए क्या हाल करा है उसको। एक दिन गुस्सा आया तो पूरा किडनी लिवर सब बाहर निकल आया, मतलब काट के सब फाड़ दिया। ओके विकी, अब मतलब ये बहुत अलर्ट रहता है यार, मतलब अगर पैर आप नीचे रखेंगे उस आवाज़ में भी ये उठ जाता है। बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है विकी, है विकी, है विकी। विकी फुटबॉल भी खेलता है, क्योंकि मैं फुटबॉल लवर हूँ तो ये भी फुटबॉल लवर है। और बस इतना है, और ये बाउल किचन में पड़ा हुआ था, और ये इसको यहाँ उठा लाया। ये मेरा रॉक क्रॉलर है, इसका वीडियो जल्दी से आएगा, अभी अभी लिया था 1 हफ्ते पहले, इसका भी वीडियो आएगा।
तो ये है विकी का सही पोजीशन, ऐसे सोता है ये। मतलब देखिए ऐसे कौन सोता है यार, देखिए ऐसे, अरे उठ गया, सो जाओ ना फिर से। ऐसे कौन सोता है, इतना बहुत अच्छा लड़का है, अभी ये टायर्ड हो गया तो सोने जा रहा है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सो गाइस बस इतना ही, आज थोड़ा मेरा हिंदी मतलब गड़बड़ कर रहा है, तो मैं अभी हिंदी सीख रहा हूँ ना, तो सीखने के बाद बढ़िया बढ़िया वीडियो आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।